जिला सोलन की ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कुठाड़ के प्राचीन शिव मंदिर में कांग्रेस इकाई कुठाड़ की बैठक इकाई के अध्यक्ष सूरतराम रनौत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें दून विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चौधरी रामकुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कुठाड़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौधरी रामकुमार और उनके साथ आए हुए विशेष अतिथियों का हार पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बैठक में इस वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के परिवार को बढ़ाने और मजबूत करने पर चर्चा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों को साझा किया और पूर्व विधायक को अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया। इलेक्शन में किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यही उद्देश्य था आज की ये बैठक करने का। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही सम्मान की बात है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी को बनाया गया है और इसका फायदा रानी साहबा के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हमारे देश के जो मुद्दे या जो प्रदेश के मुद्दे वो गौण हो गए, दूसरे मुद्दों को ढकने के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमेशा से ही सभी लोगों को साथ चलने की रही है, सबका विकास हो, इस प्रकार की विचारधारा कांग्रेस की है। अब वही लोग पार्टी में हैं जो जिनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। जो लोग थोड़े समय के लिए आते हैं कि फायदा उठाने के लिए, वो लोग पार्टी से दूर जा चुके हैं। सबका ये संगठन हमारे समक्ष एक संगठन है जिसको हमें सेव करना है और ये अंधकार में जो इस वक्त कुशासन चल रहा है, इस कुशासन को दूर करके हमने एक ऐसी लाइफ पब्लिक को देनी है जिसमें कि लोगों का जीवन सुख शांति व्यतीत हो सके। तो जो के हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक महाने इनके अंदर ठीक बात है, हर आदमी से मिलने की बात है, हर जगह जाते हैं आपने देखा होगा कहीं शादी है कहीं कमी है, कोई भी कोई बात है तो वहाँ ही अपने दर्द के साथ पहुँचते हैं। इसके लिए इनका धन्यवाद है। मैं तो ये समझता हूँ कि भविष्य में इस प्रक्रिया को चालू रखें। ये दुर्व्यवहार हो रहा है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग कुछ काम करें, लेकिन शुरू में ही हमें भनक लगी थी कि ये नहीं हो सकता और हमने भी ठाना है कि हम करके दिखाएंगे, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पिछले चुनाव के दौरान या इन बीते 5 वर्षों में आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा आज दिख भी रहा है। इस बार का जो चुनाव है उसमें जो लहर चौधरी राम कुमार जी के नाम की चली है, ये चुनाव एक तरफा होगा, कोई दो राय इसमें नहीं। हम अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमारी मेहनत बिल्कुल सही तरीके से घर घर तक पहुंचे। पिछले 5 वर्षों में देखा कि चौधरी साहब एक दिन भी रुके नहीं है, नहीं तो हारने के बाद, चुनाव में ना जीत पाने के बाद कोई कैंडिडेट द्वारा आता नहीं, जैसे कि दर्शन सिंह सैनी आए ही नहीं हटके, ऐसा होता है। लेकिन चौधरी साहब चले हुए हैं, इसका मतलब जो सेवा की जो भावना जागृत है वो अभी तक प्रबल जागृत है, चले हुए हैं, घर घर तक लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। विधायक ना होते वो भी विधायकों के काम कर रहे हैं। विधायक ने पंचायतों को रोड रिपेयर करने के लिए जब बार बार बोलने पर केवल मात्र 50,000 की राशि दी, तो चौधरी राम कुमार जी ने अपनी जेब से 1,00,000 की राशि दी पंचायतों को। ये सेवा भावना, ये प्रबल शक्ति तब है जब लोगों के बीच में इनको लग रहा है कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मेरे साथ हैं। नए कैंडिडेट भी इस बार कुछ आ रहे हैं ना,
उनके पास बोलने के लिए और कुछ नहीं हुआ है तो जात पात पे रक्षण लड़ेंगे, जात पात पे लड़ेंगे, जात के बारे में भी मैं फलानी जात का तो फलानी जात का। हमारे पास भी आए थे, एक बोले यार तू भी ठाकुर मैं भी ठाकुर हूँ, भाई मैं लड़ रहा हूँ। मैं कहा भाई साहब विकास और काम की बात करें तो आप कहाँ तक अभी इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, जात पात पे लेकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अब हमारे पास कहने को करने किया हुआ काम है, बहुत बोलने को है, वो इन कामों को भी सिरे नहीं लगा पाए। 36 स्कूल चौधरी साहब ने अपग्रेड किए, 36 स्कूल अपग्रेड हुए, एक भी स्कूल में एक भी नई ईट अभी तक वर्तमान विधायक इन 5 सालों में नहीं लगा पाया, एक नई ईट नहीं लगा पाया। जो बच्चे बरांडे में पढ़ते थे बरांडे में पढ़ रहे हैं, जो जुब्बड़ में बैठ के पढ़ते थे आंगन में जुब्बड़ में बैठ के पढ़ रहे हैं। आज भी सबसे बड़ी विफलता ये है शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल देने में कोई कमी चौधरी राम कुमार जी ने और राजा वीरभद्र सिंह ने नहीं रखी थी, लेकिन उन स्कूलों में एक कमरे की नई ईट अभी तक नहीं लगी। नंबर एक बात, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो पट्टा में आज एक बच्चा झाड़ू लगाती है वही है, क्या वो डॉक्टर है? वो लोगों को इंजेक्शन अगर लगा रही है तो क्या उन लोगों का होगा जिनकी इंजेक्शन लगा रही है? अब 4-5 बजे के बाद वहां ताला लग जाता है। जो बसें चौधरी साहब ने लगाई वो बसें कोरोना काल के समय के बाद बंद पड़ गई, बार बार बोलने के बाद भी वो बसें नहीं चली, नया रूट अभी तक कोई मिला नहीं। प्रस्ताव दे दे के हम लोग प्रधान थक गए, प्रधानों के साथ पार्टी बेस हो रहा है, प्रधान मनरेगा की हालत चौधरी साहब ने बताई भी कि खराब है, मनरेगा में जो एग्रीमेंट प्रधानों ने किए वो 2021 के पूरे फेल कर दिए, फिर बोला कि कोविड में करो जी एग्रीमेंट, कोविड में किए फिर वो कोविड के बाद में फेल कर दिए कि इनको ग्राम सभा में अप्रूवल करो, फिर बाद में नोटिफिकेशन आ गई कि अब नया सेंक्शन डाल के भेज दो जी। मतलब बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है और काम बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। मनरेगा की पेमेंटें पिछले एक एक वर्षों से मटेरियल की पेमेंटें नहीं हुई है, लेबर की पेमेंटों पिछले 6-6 महीनों से नहीं हुई है, पिछले 7-8 सालों में जब से केंद्र और हिमाचल में डबल इंजन लगा तब से लेकर कोई दिहाड़ी नहीं बढ़ी है मनरेगा में। अब 9 रुपए अभी बढ़े हैं कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन पहले, अपने इनके लाखों के वेतन बढ़ जाते हैं, मजदूरों की सिर्फ 9 रुपए दिहाड़ी पिछले 8 वर्षों में बढ़ी, अब 212 रुपए दिहाड़ी होगी। पंचायत में काम करवाने मुश्किल हो गए हैं, विधायक फंड जो आता है वो सिर्फ अपने चहितों के बोले दिया जाता है, प्रधानों से कोई राय नहीं ली जाती, हाँ जी आपने काम किस प्रकार करना है, जब जो काम करता है पंचायत में उसको पता होता है कि किस काम में कहां क्या प्रॉब्लम आएगी। जब पंचायत प्रधान काम करने लगते हैं तो वहां पर अगर किसी 2 चमचों के बोले पैसा दे दिया हुआ है तो मौके पर वो काम ही नहीं होता, सिरे नहीं लगता। अगर हल किसी भी कहीं फॉरेस्ट लैंड आ रही है तो उसमें विभागों को इनके अधिकारियों को गाड़ियां मार दी जाती है कि ये तो निकम्मे हैं, इनके बस का नहीं है, ये नहीं होने देंगे रोड। अरे भाई आप विधायक हैं, आप कोई ऐसा कानून बनाओ कि फॉरेस्ट में भी रोड निकलने जरूरी है, अगर कोई फॉरेस्ट क्रॉस करके आगे कोई गांव बढ़ता है तो क्या उसको रोड ही नहीं जाएगा कि बीच में फॉरेस्ट है? आप कानून बनाइए, विधानसभा में बैठिए आप, अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों के सिर पे मारने का काम चला हुआ है ये विधानसभा में हमारे इस वक्त खेल चला हुआ है। 2-4 चमचों के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी डिवीजन कसौली को भी इन्होंने संदेह के घेरे में रख कर दिया है। हालत यहां तक इतनी खराब हो चुकी है, ये मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य की जो आपके बात की कि हालत स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ी खराब है, टीचर नहीं है हॉस्पिटलों में, डॉक्टर नहीं है। अब रहती है बात आईपीएच, जो चौधरी साहब ने चंडी पेयजल योजना के नाम से हम लोगों को एक बड़ी स्कीम दी थी, इसका हम लोगों ने बड़ा लाभ मिला है, कुछ गांव तक तो इसका लाभ मिल गया, कुछ जगह मैंने अभी देखा है वहां तक अभी ये पानी पहुंच ही नहीं पाया, स्टोर नहीं बने, टैंक स्टोर नहीं बने अभी तक, पानी छोड़ने वालों की इतना इनके हौसले बुलंद है, कई जगह तो मैंने देखा कि कई जगह पानी छोड़ने वाले टाइम पे पानी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर पता करते हैं भी क्यों पानी नहीं आया गांव में तो पता लगता है भी कीमेन नहीं छोड़ा, कीमेन को पूछते हैं कीमेन बोलता है भी पीछे से सप्लाई नहीं आई, जब सप्लाई नहीं आई तो पता करते हैं क्यों सप्लाई नहीं आई, पता लगता है कि पुरानी वो जो कुछ ऐसे स्कीमों पर जहां के लिए नई मोटरें सेंक्शन हुई थी वहां पर पुरानी मोटरें चिपका दी गई है, वो स्कीमें हाँप गई। पिछले 5 वर्षों की हम बात करें, आप कुठाड़ चौकी से ले लो या कसौली से आप डाटा कोई भी निकाल लें,
लगभग 100 के बराबर चोरियां हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में जो साथ लगती हमारी कुठाड़ के आसपास की 8-10 पंचायतें, 100 से ऊपर की चोरियां इन पंचायतों में हो चुकी हैं। पुलिस को पूछे तो पुलिस, रात को अगर हम पुलिस को फोन करें कि आप आइए फलाने गांव में चोरी होगी, भाई साहब आप आ जाएं गाड़ी लेके हम आपके साथ चल पड़ेंगे। उनके पुलिस के पास सुविधा ही नहीं जाने के लिए, कहीं गांव में पहुंचने के लिए रात को। ये काम किसका था? अगर चोरियां हो रही है, पुलिस गश्त मारने में भी अगर विफल है, पुलिस गश्त नहीं लगा रही है, एक तो इनके पास भी पैर तो भर्तियां नहीं हो रही है, जो हो रही है उसमें ये हाल है, आपको पता ही क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं, उन लोगों को अंदर किया जा रहा है जो बेचारे बेरोजगार थे, रात दिन एक करके पड़े हुए थे वो लोग, उन्होंने जब अपने पेपर नौकरी में लगने के लिए पता नहीं क्या क्या करके पैसे कमाए, उन्हें वो भी खुला दिए अफसरों को, आपका अगर पकड़ नहीं थी विभागों पर तो तब उन्होंने पैसे खाए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, उनको अंदर किया जा रहा है बेचारों ने, जो पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, उन्होंने वो नौकरी लगाने के चाहते में वो पैसे उनको खुला दिए और खुद वो अब वो अंदर हो गए। चौधरी राम कुमार ने भी वर्तमान सरकार के नेतृत्व पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की गति कांग्रेस सरकार के समय में थी वो अब कहीं ना कहीं बिल्कुल थम सी गई है। आज महंगाई 7वें आसमान को छू रही है, जिसके कारण ग्रामीण परिवेश में रहने वाले और दिहाड़ीदार लोगों को अपना जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आज कुठाड़ में जो कांग्रेस इकाई की मीटिंग हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है और किस किस विषय पर चर्चा आपकी हुई है? आज कुठाड़ इकाई की जो मीटिंग हुई है उसका मुख्य उद्देश्य आने वाला चुनाव है, और पिछले 4.5 वर्षों में स्थानीय विधायक, मौजूदा विधायक ने जो काम हमने कांग्रेस के समय यहाँ चलाए थे उनको पूर्ण किया है कि नहीं किया है। नया काम तो यहाँ कोई शुरू हुआ नहीं है, लेकिन जो पुराने स्कीमें थी, पुराने हैंडपम्प हमने पास किए थे वो नहीं लगे हैं, जो स्कीम पेयजल योजना हमने दी थी उसके पाइप जो है अभी तक भी कई गांव छूते हैं जहां पे एक भी पाइप अभी नहीं लगा है, और जो लिफ्ट की सिंचाई की हमने रिपेयर करने की बात की थी वो लिफ्ट की स्कीम बंद पड़ी थी, जिसके पाइप लाइन चेंज होनी थी हमने वो सेंक्शन कर दिया था, इन द मीन टाइम इलेक्शन आए और हम लोग चुनाव हार गए, दूसरी सरकार आ गई, वो पाइप का काम आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो घोषणा हुई थी कॉमर्स के लिए उस स्कूल में वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज की मुख्य जो मीटिंग है उसका मुख्य मुद्दा ये है कि इन सब चीज़ों को लेके हम लोग लोगों में जाएंगे, और आने वाले टाइम में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी लीड से जो है वो चुनाव में विजयी होंगे। और आपने देखा कि मुख्य कार्यकर्ता सभी लगभग सूझवान लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ चले हैं, और यूथ जो है वो बहुत हमें साथ दे रहा है, महिलाएं आपने देखी हैं कि नई महिलाएं भी हमारे साथ आई हैं, जिनका कारोबार जो है वो कोरोना में डूब गया, लेकिन बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में डूबे हुए कारोबारों के लिए एक भी स्टेप नहीं उठाया है, केवल अपने अपने जल जीवन मिशन का मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं लेकिन लोगों को जल नहीं मिल रहा है, मिशन ही मिशन है, बीजेपी का प्रचार मिशन बन के रह गया है लेकिन जल नहीं मिला। स्कीम हमने लगाई थी, टैंकों में पानी पहुंच गया था, टैंकों से गांव तक पानी जो है, बहुत गांव छूते हैं जहां पे ना लाइंस लगी हैं, मटकुड्डा गांव है, अभी जगतावन का एक गांव है, यहां पे उथरी गांव है उसमें पाइपलाइन नहीं है, 4-5 घर है वहां पे, और रामपुर का हैंडपम्प सेंक्शन है वो नहीं लगा है, बहुत से ऐसे काम जो हमने अपने समय में स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए लोगों ने मन बनाया हुआ है, अभी इलेक्शन शायद सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाए, लेकिन लोगों ने पूरी कमर कस ली है, और इस मीटिंग में सभी जो हमारे भक्तागण थे, सभी कार्यकर्तागण थे, सभी ने अपना सुझाव दिया है, बहुत से ऐसे केसेस मुझे सामने आए जो जिनको पेंशन अभी तक नहीं लगी है, बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जिनका इलाज नहीं हो रहा है, बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जिनकी छोटी छोटी समस्याएं, किसी का मीटर है तो विभाग जो है वो सोए हुए हैं, सोए इसलिए कि जो मेन मुख्य रखा है वो अपनी ड्यूटी में का निर्वहन नहीं कर रहा है, और महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है, और लूट जो है वो चारों तरफ मची हुई है, महंगाई चरम सीमा पे है और कोई पूछने वाला नहीं है,
आप देख रहे हैं कि डिपो में जो है डिपो का रेट और आम दुकान का रेट जो है वो बराबर है, लेकिन लोग मजबूर हैं। लोगों को अब एक और धुआं दे दिया इन्होंने कि सभी मेंबर जाके जो राशन लेंगे, सभी मेंबरों की लाइन जो है वहाँ लगी हुई है। कई गरीब ऐसे मिले कि उनके घर में जो मरीज है उसको लकवा मार गया, या मुख्य जो महिला है वो पेड़ से गिर गई, उसको चोट लगी है, वो नहीं जा सकती है, अब उनका जो राशन को नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो गांव घर में जाके हमें पता लग रही हैं। और मैंने मन बनाया कि आने वाले टाइम में मैं अपने इलाका में दून में लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ जहाँ पर नहीं है उनको लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ देंगे, और जहाँ लगी हैं जो खराब पड़ी हैं उनको हम ठीक करेंगे। और एक जो व्यवस्था है, व्यवस्था का परिवर्तन जो है मैं करने वाला हूं, और जिन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, उसके लिए हम लोग जो है वो उन जो पेचीदगियां हैं उनको हम आसान करेंगे, सरकार में रहते हुए उन पेचीदगियों को दूर करेंगे। जैसे पिछले टाइम में हमने राजा वीरभद्र सिंह से सिफारिश की थी कि जो गाँव के रोड हैं उन गाँव में FRA के तहत परमिशन जो है वो दी जाए, जिसमें अनेकों रोड जो है पंचायत ने निकाले, लेकिन आज की सरकार ने तुरंत आते ही वो FRA परमिशन का प्रावधान विड्रॉ किया, जिसके चलते पंचायत को बड़ी दिक्कत आ रही है। मनरेगा कार्यक्रम UPA 2 ने शुरू किया था, जिसके तहत हर गांव में हर घर में जो है वो उन महिलाओं को, उन जो लोगों को जो गरीब हैं जो कहीं बाहर कमाने नहीं जा सकते हैं, उनके घर में 200 रुपये दिहाड़ी अपने खेत में काम करने का प्रावधान किया था। लेकिन पिछले करीब 10 वर्षों में ये दिहाड़ी बढ़कर 9 रुपये बढ़ी है, और ये अभी मेरे ख्याल एक हफ्ते पहले बढ़ी है, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूर की दिहाड़ी जो है जस की तस है। माननीय पूर्व विधायक चौधरी लज्जाराम जी ने राजा वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से बद्दी में औद्योगिक क्षेत्र लाया और लाखों युवाओं को नौकरियाँ मिली, लेकिन आज हमारे अपने युवा जिन्होंने ITI कर ली है, BTech कर ली, B Pharma कर ली है, उनको दर दर धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं इंश्योर करता हूं कि 101% जो है हमारे दून के लोगों को बद्दी रोटी वाला नालागढ़ के उद्योगों में नौकरियां सुनिश्चित करता हूं मैं, कि जो जिसने ITI के जो टेक्निकल हैंड्स हैं उनको 100% नौकरी जो देने का मौका मिलेगा। और औद्योगिक क्षेत्र बनलगी को बचाने के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया था, नेशनल हाईवे यहाँ से मडावाला से रोटी वाला स्पाटू तक और कुनिहार तक नेशनल हाईवे हमने इसको नोटिफाई करवाया था, इसकी अधिसूचना जारी करवाई थी, लेकिन जब से विधायक पम्मी जी बने हैं ये डी नोटिफाई हो गया, स्टेट रोड भी नहीं रहा है, केवल जो है वो MDR रोड बन के रह गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि इसका जवाब दें कि जो नेशनल हाईवे है क्यों ये डी नोटिफाई हुआ, आपकी इसमें कमियाँ रही हैं, आपने प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी के मामले जो है वो उठाने में आप नाकाम रहे हैं। जो सब्सिडी राजा वीरभद्र सिंह जी से आज मैं देख रहा हूँ कि लोग ट्रैक्टर जो है अपने एरिया में खरीद रहे हैं, हमने सब्सिडी 50% सब्सिडी करवाई थी, अगर 7 लाख का ट्रैक्टर है उसको 3.5 लाख रुपये सब्सिडाइज रेट पे जो है वो ट्रैक्टर मिलता था, लेकिन पम्मी जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि इस सब्सिडी को कम करके 3.5 लाख से 50,000 रुपये कर दिया जाए, लेने वाले बहुत हो गए हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था, बजट की मांग करते, विधायक का काम है बजट की मांग करना, लेकिन विधायक उल्टा काम कर रहे हैं। ITIs के लिए हमने बजट दिया, बजट लैप्स होके जो है सरकार ने वापस ले लिया, चाहे वो पट्टा की ITI है चाहे कुठाड़ की ITI है। कॉलेज के लिए 9.5 करोड़ रुपये मैंने दिए थे, 4.5 करोड़ रुपये वापस चले गए हैं, और ठेकेदार की पेमेंट बाकी पड़ी है, जिस वजह से काम बंद पड़े हैं। तो विधायक जो है वो मतलब सोए हुए हैं, कुंभकर्णी नींद से सोए हुए हैं, या वो अपने चहेतों को जो है वो काम देने में मशगूल हैं, उनको उनसे सरकार की लुटाई करने में मशगूल हैं, और अलग अलग टोलियाँ बना के जो है लुटेरे की तरह चले हुए हैं, लोगों को जो ठग रहे हैं, इंडस्ट्री को ठग रहे हैं, और इंडस्ट्री भी दुखी है, इनके दुख के मारे हज़ारों लोग बद्दी से प्लान कर गए हैं, हज़ारों इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, कि विधायक के लोग हर रोज़ जो है वो पैसे मांगने जो इंडस्ट्री के गेट पर खड़े होते हैं, नौकरी मांगने नहीं। हमने अपने समय में लोगों को रोज़गार देने की बात की थी, अपने समय में लोगों को एडजस्ट करने की बात की थी, ये ट्रक यूनियन को भी तोड़ रहे हैं, और एक नंबर अभी SP बद्दी ने जारी किया है इंडस्ट्री के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा SP साहब से कि ऐसे नंबर अगर आप लोगों के लिए जारी करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये केवल आपने इंडस्ट्री के लिए जारी किया है, इससे लोगों में भारी रोष है, खासकर ट्रांसपोर्ट के लोगों में, कि हमारे केवल एक ही धंधा बचा है ट्रांसपोर्ट का, आप उसको भी उससे भी लोगों को मुँह से निवाला जो है सरकार छीन रही है,
आने वाले टाइम में लोग इन सब चीजों का जवाब देंगे। सरकारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, जिसके कारण लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति रोष है और प्रदेश को चलाने वाले जश्न मना रहे हैं। युवा कार्यकर्ताओं को संगठित करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वैसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं, पर यदि कहीं युवा सदस्यों में कोई मतभेद हैं तो उन्हें दूर करके संगठन को और मजबूत किया जाएगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज़ के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।